আমরা চলে আসছি ঘোষপুকুর কলেজে, আমাদের ছাত্রবৃন্দ এখানে হাত দেখাচ্ছে, কেউ খাচ্ছে, সবাই सवारी में जा रहे हैं, तो पहले इन व्यू जाएंगे, तो वहाँ से हम लोग सबको निकलेंगे, पहले नक्सलवाड़ी कॉलेज, उसके बाद विजयनगर कॉलेज, उसके बाद इस्लामपुर कॉलेज। दो दिन का ट्रिप है, तो आज हम लोग नक्सलवाड़ी पूरा एरिया और जाएंगे, उसके बाद इस्लामपुर में जाएंगे, इस्लामपुर में एक दिन स्टे रहना पड़ेगा, उसके बाद कल सुबह आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग सुषमा से मिले, कोई एनबीओ की तरफ हम लोग जाते हुए वहाँ पे सर से मिलेंगे, उसके बाद हम लोग को बताया जाएगा हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, और हम लोग का दो दिन का ट्रिप है, किस तरह का सर रहना है। तो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं एनबीओ, चलिए चलते हैं। अभी हम लोग एनबीयू में पहुंच चुके हैं, अभी सर से मीट करेंगे, उसके बाद सर क्या इन्फॉर्मेशन देता आगे के लिए देखते हैं। हम लोग एनबीयू जा रहे हैं, तो आज हम लोगों का एनबीयू से सब कॉलेज से दो दिन करके लेके जा रहे हैं साइकिल सफारी के लिए। तो आज हम लोग का मेन लक्ष्य है कि आदमी लोगों को ये बताना कि प्लास्टिक ना यूज़ करें, इसके बारे में अभियान है, और 60 किलोमीटर साइकिलिंग करना है, इसी को बताते। अभी हम लोग को ये दिया है एनबीओ की तरफ से, और खींच रहा हूँ साइकिलिंग सफारी के लिए। ओ, इस रैली का मोटिव है नो प्लास्टिक। रेडी हो चुके हैं एनबीओ के सामने, तो 5-10 मिनट में हम लोग निकलने वाले हैं। पहले हम लोग का सफ़र होगा यहाँ से नक्सलवाड़ी कॉलेज तक, जो कि 15 किलोमीटर दूर है। सबको रेडी हो चुका है ऐसे, अभी लगेज भी गाड़ी में डाल चुका है, तो हम लोग सबको रेडी है, सबका साइकिल भी रेडी है। हम लोग को प्लास्टिक के बारे में अभियान करना है, ये तो पहले भी आपको बताया गया था। ऑल रेडी फॉर साइकिलिंग, हेलमेट बॉयज पीछे में ज़्यादा देखते। कौन सा कॉलेज? वी लाइक अ सेलिब्रिटी, हम लोग का हीरो जैसा वेलकम हुआ है। तो अभी हम लोग इस कॉलेज नक्सलवाड़ी कॉलेज में जा रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो 8 किलोमीटर ही हुआ है, लेकिन हम लोग का सफर से अभी हम लोग नक्सलवाड़ी पहुँच चुके थे, अभी नक्सलवाड़ी पर जाते हुए अभी हम लोग ने पावर्ड बाई साइकिल सफारी, हम लोग एन बी यू से अभी साइकिल सफारी के लिए जा रहे हैं। 13-12 किलोमीटर तक चल चुके हैं, अभी नक्सलवाड़ी कॉलेज आना पड़ेगा,
वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा हम लोग को, उसके बाद फिर से और अभी हम लोग का वीआईपी स्वागत हुआ था। कौन सा कॉलेज में? बिरसा मुंडा कॉलेज से घूम के आए हैं हम लोग, अभी नक्सलवाड़ी कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। चलो फिर। तेरा कैमरा अच्छा है सबसे। हम लोग नक्सलबड़ी फॉल्स की तरफ जा रहे हैं। हम लोग का मेन लक्ष्य है इस्लामपुर कॉलेज। अभी हम लोग नक्सलबड़ी कॉलेज से निकल गए हैं, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। तो अभी ये फॉरेस्ट बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाता हूँ मैं। बनाना तो बना है, फिर भी हम लोग छोटे छोटे बना रहे हैं कि आप लोग को दिखा सके। इतना रिक्स लेके यहाँ पार्टी होती है, बहुत तरीके का जानवर भी निकलते हैं, फिर भी हम लोग साइकिल में बहुत चले एक साथ है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, वीडियो बनाना फिर भी बना रहे हैं। हम आते हैं स्लोगन पहुंचने वाले हैं, लगभग 30 किलोमीटर साइकिल चला लिया है। अभी भोजपुर कॉलेज हम लोग का स्टॉपेज है, उसके बाद डायरेक्ट इस्लामपुर। मिनिमम एनबीयू से 60-70 किलोमीटर होगा। बहुत मजा आ रहा है, हम लोग पीछे इंस्ट्रक्टर के जैसे दो बैग लिया हुआ है, इसमें मेडिसिन से वगैरह वगैरह सब है, अपना सामान और बाकी सब। Yeah, Gullu the Great! Come on, Gaurav, hand dikhate hue. আমরা চলে আসছি ঘোষপুর কলেজে। আমাদের ছাত্রবৃন্দ এখানে হাত দেখাচ্ছে, কেউ খাচ্ছে, সবাই ব্যস্ত, খুব হাঁপায় গেছে সিঙ্গার। এখানে সুন্দর সুন্দর ছাত্রীবৃন্দরা হচ্ছে। আবি তক হাম লোক 35 কিলোমিটার চল চুকে হ্যাঁ। Hey guys, without this very great, watch this video and get past doing with the camera. It's a Vishal, it's me. The full enjoy the 10 kilometers I have to go. This guy, some of us, we have to go. It's really a Bugatti PJ, I'm a Magli. 30-35 kilometer cycle dream ho gaya hai. So, abhi thoda sa break mila hai. Kyunki hamare ek dost cycle se bhi khayal ho gaya. Uska haath thoda chhil gaya. Isliye thoda break mil gaya hum logo. थोड़ी देर में फिर से हम लोग को सफर चालू करना पड़ेगा। और दस नहीं यार, 20 होगा, 25। हम लोग भोजपुर कॉलेज से अभी आए हुए, 15 किलोमीटर हो चुका है। अभी तक हम लोग का सफर बहुत ही लंबा चल रहा है और बहुत खतरनाक और बहुत हार्ड। इस रोड में बहुत हवा चल रहा है, साइकिल लेके जाना बहुत मुश्किल है। पैर पकड़ चुका है, शायद हम लोगों को कुछ देर का ब्रेक मिल सकता है, लेकिन ब्रेक तब तक हम लोग को ऐसे ही चलाना पड़ेगा। मैक्सिमम हम लोग 25 की स्पीड में तो चला ही रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। तो आज हम लोग का साइकिल सवारी का बहुत मेहनत हो गया, 80 किलोमीटर हम लोग साइकिल चला के आए। तो गवर्नमेंट से हम लोगों को ये होटल दिया है जिसका नाम है बादशाह जी, बहुत खूबसूरत होटल है। तो हम लोग खाना वाना खाए, फिर आज कल सुबह हम लोग इस्लामपुर कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पर कुछ हम लोग के बारे में बताया जाएगा। फिर हम लोग फिर कल रिटर्न करेंगे और रिटर्न करने का टाइम KGTM कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर बहुत इन्जॉय करेंगे। और हम लोग का अभी 8:30 हो गया है, तो हम लोग साइकिल से भी रेस्ट कर रहे हैं, साइकिल को भी रेस्ट कर रहे थे, हम लोग को भी रेस्ट कर रहे थे, तो बहुत पैर दर्द कर रहे हैं।
देख ही सकते हैं आप, थक गया है पैर, लगता है थोड़ा स्प्रे करके फिर सोना पड़ेगा क्योंकि कल फिर 80 किलोमीटर जाना है। तो बहुत खतरनाक सफ़र रहा। ओके बाय, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज हम लोग साइकिल सवारी का नेक्स्ट डे है। फर्स्ट डे तो हम लोग 106 किलोमीटर साइकिल चला के इस होटल में रुके थे और अभी जाने का टाइम हम लोग का स्टॉपेज दो है। पहला स्टॉपेज तो इस्लामपुर कॉलेज में जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, उसके बाद सीधा हम लोग को 70 से 80 किलोमीटर तक साइकिल चलाना है। तो बहुत मुश्किल आएंगी लेकिन हम लोग सब जवान रेडी है। और अभी हम लोग इस्लामपुर से निकल गए हैं चोपड़ा के लिए। 25 किलोमीटर के बाद हम लोग को रेस्ट मिलेगा और अभी तो साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि आगे से बहुत हवा आ रहा है, तो जितना भी पेडल मार रहे हैं तो साइकिल आगे नहीं जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किलें हो रही है। फिर भी सामना करना तो पड़ेगा ही। और 70-80 किलोमीटर अभी बाकी है हम लोग का सफ़र। ये डे टू है और ये डे टू में हम लोगों को कोई रेस्ट मिलने वाला नहीं है क्योंकि हम लोग का रूम लॉक हो गया था, इसके वजह से हम लोग 1 घंटा लेट है। तो वही 1 घंटा सफ़र हम लोग को और स्पीड करना है। तो हम दोनों आगे निकल गए हैं, कोई नहीं है हम लोग आगे, चलिए आगे देखते हैं। बट्टी 30 किलोमीटर चला ली है और 40 किलोमीटर जैसा बचा हुआ है। अब डायरेक्ट KGTM कॉलेज में जाएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन फट रहा है, घर में जाके लगता है नरम नरम सीट में बैठना पड़ेगा किसी के ऊपर बैठने। हम आप लगता है 2-3 दिन साइकिल चला नहीं पाएंगे क्योंकि 200 किलोमीटर के लगभग साइकिल चला लिए है, तो 2 दिन शायद बैठने भी नहीं पाएंगे अच्छे से। बोल का सफ़र आखिरकार पूरा हुआ। लास्ट तक हम लोग NBU आ पहुँचे हैं, सब थका हुआ है, अब रेस्ट करना ही पड़ेगा लग रहा है, सब कोई का हालत ख़राब है। तो हम लोग का भी लंच टाइम हो रहा है तो लंच करने जाएंगे। ये सफ़र बहुत ही ख़तरनाक है, हम लोग देर हो चुके हैं, हालत देख कर समझ में आ रहा। ये सफ़र अब ख़त्म हो गया है, तो 2 दिन का ट्रिप था, बहुत मज़ा आया और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, थक भी गए। तो अभी लंच टाइम है तो अभी लंच करेंगे उसके बाद घर। तो ये ब्लॉग के लिए बस इतना ही, बाय।